सुहागरात का मतलब क्या होता है? सुहागरात शादी के बाद पहली रात को कहा जाता है। यह रात नए जोड़े के लिए बहुत खास होती है। सुहागरात शादी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह एक ऐसी रात होती है जो जीवन भर के लिए यादगार बनती है। सुहागरात शब्द का उच्चारण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सुहाग और रात। सुहाग एक शब्द होता है जो दुल्हन के मांग में भरी जाने वाली सिंदूर को दर्शाता है जो उसके पति द्वारा लगाया जाता है। इस रात को बड़ी खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है जब नए जोड़े एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। सुहागरात को एक अहम दिन माना जाता है जब नए जोड़े एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह रात दो लोगों के लिए खुशनुमा और यादगार होती है। इस रात को खास बनाने के लिए कई तरह की तैयारियां की जाती हैं, जैसे कि रोमांटिक भोजन, सुंदर और रोमांटिक संगीत आदि। यह रात दो लोगों के लिए बहुत विशेष होती है जब वे एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। यह रात न केवल शादीशुदा जोड़ों के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस रात के बाद नए जोड़े एक दूसरे के लिए जिम्मेदार बनते हैं और एक दूसरे के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ सकते हैं। शादी के दिन के बाद सुहागरात के मौसम में दुल्हन को खुश रखने के लिए उन्हें थकान न होने देना चाहिए। उन्हें शांत और सुखद वातावरण में रखना चाहिए ताकि उन्हें खुशनुमा अनुभव मिल सके। इस रात को यादगार बनाने के लिए दो लोगों के बीच अच्छी बातचीत, संभोग और साथित्व की आवश्यकता होती है। एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को साझा करना और एक दूसरे के साथ गहरे बंधनों का निर्माण करना एक स्वस्थ संबंध का निर्माण करने में मदद करना चाहिए। तो मित्रों, यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।